वेलकम टू एडवांस प्रोग्रामिंग। आज के इस ट्यूटोरियल में हम फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे सी शार्प पे और उसका हम सिंटैक्स देखेंगे कि एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे सबसे पहले, ताकि हमें आइडिया, जिससे हम बाकी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि प्रिंट एफ कैसे यूज़ करते हैं, कि कोई भी सेंटेक्स हमें प्रिंट करना हो कंसोल पे, वो किस तरह प्रिंट करते हैं। तो इसी तरह का हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे और उसके साथ ही साथ हम देखेंगे वीडियो स्टूडियो किस तरह यूज़ करते हैं और उसमें डॉक्यूमेंट कहाँ सेव होता है और उसका सी शार्प का जो सेंटेक्स है और वो भी साथ में साथ समझेंगे। आइए सबसे पहले हम वीडियो स्टूडियो ओपन करके देखते हैं कि उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो स्टूडियो ओपन करेंगे। आप कोई भी वर्जन ले लें, 15, 17, 13, हमने 15 लिया है। तो न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। तब न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, ये वीडियो सी शार्प है ये यूज़ करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो बेसिक, विजुअल बेसिक और भी बहुत सारे हैं। तो हम सी शार्प पे, वीडियो सी शार्प पे क्लिक करेंगे और फिर कंसोल पे, एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ देखें नेम लिखा है कंसोल एप्लीकेशन। जो ये नेम है वो हमारे पूरे प्रोजेक्ट का नेम होता है। तो यहाँ आप कोई भी नाम देते हैं, जैसे हमने अपने इंडस्ट्री से कोई और नाम देना चाहते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हमने यहाँ पे। तो ये देखें कहाँ सेव होता है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर, व्यू स्टूडियो के अंदर प्रोजेक्ट में सेव होता है। तो ये इसकी जो लोकेशन है वो डॉक्यूमेंट में है। तो हम इसको अगर ओके करें तो देखें एक डेस्कटॉप ओपन हो जाएगी। तो जब ये डेस्कटॉप ओपन होगी तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से कुछ सेंटेक्स लिखा गया होगा। तो ये सेंटेक्स दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक है लाइब्रेरीज और सेकंड है जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइब्रेरीज की। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं। जिस तरह सी में हमें लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी पड़ती थी स्क्रीन होल्ड करने के लिए और इनपुट आउटपुट के लिए, तो इसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट प्री डिफाइंड यहाँ पे पहले लाइब्रेरीज इंक्लूड हैं, तो इसलिए हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तो है लाइब्रेरीज। अब उसके बाद आते हैं मेन पार्ट जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेम स्पेस की। नेम स्पेस एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। जितने भी ब्लू कलर के हैं, स्टैटिक, वाइड, स्ट्रिंग, क्लास, नेम स्पेस, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। तो नेम स्पेस एक वो फंक्शन है जिसके अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट होल्ड होता है, जिसके अंदर स्टोर होता है। तो नेम स्पेस एक जो फंक्शन है उसका एक नेम है, हर फंक्शन के साथ उसका नाम, जैसे क्लास है, क्लास का भी एक नेम है। तो नेम स्पेस है एक पीरियड फंक्शन है, इसका एक नेम है फर्स्ट प्रोग्राम। तो हमने जो प्रोजेक्ट सेव किया था वो फर्स्ट प्रोग्राम के नाम सेव किया था। तो सी शार्प में कभी भी बीच में स्पेस नहीं दिया था, हमेशा जब भी स्पेस देखें, हमने फर्स्ट प्रोग्राम के साथ स्पेस देके प्रोग्राम लिखा था। तो देखें यहाँ पे ये अंडरस्कोर इसमें ऐड हो गया। तो ये सी शार्प में कभी भी दो वर्ड के अंदर आप गैप नहीं दे सकते, क्योंकि ये स्पेस इंक्लूड नहीं करता, तो आपको उसके साथ कोई ना कोई साइन यूज़ करना पड़ता है। तो नेम स्पेस क्या करता है, इस पूरे प्रोग्राम को होल्ड करता है, तो सेव करता है, नेम स्पेस के अंदर सेफ होता है। और जिस नेम स्पेस के अंदर सेफ होता है उसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, तो आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम इंक्लूड कर सकते हैं। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं इस नेम स्पेस की कर्ली ब्रैकेट के ओपन और क्लोज के अंदर लिखते हैं। और अब बात करते हैं क्लास। तो हम इस नेम स्पेस के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर बहुत क्लासेस यूज़ करते हैं, जितना आप चाहें क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास पहले से इंक्लूड होती है, एक सेंटेंस का हिस्सा सी शार्प के। तो क्लास है ये और क्लास के साथ नाम लिखा है। तो यहाँ वन है या कुछ भी लिखा होता है, प्रोग्राम भी लिखे होते हैं, तो आप चाहें तो इसको प्रोग्राम की जगह टू कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ टू कर दिया। तो आप क्लास का नेम चेंज कर सकते हैं। तो जो मेन पार्ट है प्रोग्राम का, ये है स्टैटिक वॉइड मेन। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जो कंपाइलर है वो सिर्फ इस मेन पार्ट को ही चेक करता है, एग्जीक्यूट करता है। इसके अंदर हमने जो लिखा होगा उसी को ही एग्जीक्यूट करेगा, तो उसका क्लास से कोई लेना देना नहीं होता। तो लेकिन जो ये मेन पार्ट है ये हमेशा क्लास की कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ओपन क्लोज के अंदर ही लिखा जाता है। और जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे,
तो जो हमारा कंपाइलर है वो इस मेन पार्ट को ही कॉल करेगा, इसके अंदर जो हमने कॉल किया होगा, जो हमने लिखा होगा, उसी को ही एग्जीक्यूट करके हमें इसका आउटपुट शो करेगा। तो हम बात करते हैं अब स्टैटिक वॉइड मेन की। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, तो अगर आपने हमारा प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें, उसमें हमने इसको डिटेल से बताया है। तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम की, जो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हम सी में कोई भी मैसेज शो करने के लिए, आउटपुट में कोई भी मैसेज प्रिंट करने के लिए, सबसे पहले हम एक सिंपल प्रोग्राम हमेशा बनाते हैं कि कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट करना। जिस तरह सी में हम प्रिंट एफ यूज़ करते थे कंसोल पे कोई मैसेज प्रिंट करने के लिए, तो हम सी शार्प में कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं। देखें, जैसे मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा तो नीचे एक सजेशन बॉक्स ओपन हो गया। सी शार्प में एक एडवांस है, एक एडवांस सी शार्प है वर्जन है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कंसोल डॉट राइट लिखेंगे उससे रिलेटेड जितने भी सजेशन बॉक्स भी डिफाइंड फंक्शन पहले से मौजूद होंगे उसकी लिस्ट खुल जाएगी, ताकि हम कौन सा लेना चाहते हैं। तो इससे के उनका कहने का मतलब ये होता है कि कंसोल डॉट राइट लिखा तो इससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन थे वो सब ओपन हो जाएंगे। तो हमने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा, ओपन क्लोज किया, सेमी कॉलन लगा दिया। तो जैसे मैंने कंसोल लिखा, आप ये देखें ये हाईलाइट हो गया। एक बार इसको रब करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने डिलीट किया, ये देखें लाइट हो गया। जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा, ये हाईलाइट हो गया। तो कंसोल सिस्टम यूजिंग सिस्टम की प्री डिफाइंड फंक्शन है। जब हम कंसोल लिखते हैं तो कंसोल का जो फंक्शनैलिटी होती है, जो फंक्शन है, जो राइट लाइन, हम इसको सिस्टम से कॉल कर रहे होते हैं। हम जैसे ही यूजिंग सिस्टम को डिलीट करेंगे, आप देखेंगे इसमें अंडरलाइन आ गया, ये कंफ्यूज हो गया आप कि कंसोल तो यूजिंग सिस्टम की लाइब्रेरी है, अब इसको रेफरेंस नहीं मिला कि ये अपने राइट लाइन की फंक्शनैलिटी है, अब इसको कॉल कहाँ से करें जो कि यूजिंग सिस्टम से कॉल करता है। तो जैसे यूजिंग सिस्टम लिखा, देखें इसका कलर भी चेंज हो गया और वो आउटलाइन भी हट गई। तो अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, एक मैसेज बॉक्स शो करते हैं आउटपुट पे। तो मैसेज प्रिंट करने के हमें डबल कॉलन से इसको शो करते हैं। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये रन तो हो जाएगा, लेकिन वो स्क्रीन होल्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्क्रीन होल्ड करने के लिए हमें कंसोल डॉट रीड लाइन लिखना पड़ता है। ये क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करता है। अब मैं रन करूंगा, अब देखिएगा कि अब मैसेज भी शो हो जाएगा और स्क्रीन भी होल्ड हो जाएगी। ये देखिए मैसेज भी शो हो गया और स्क्रीन भी होल्ड हो गई। तो अब हम आगे चल बढ़ते हैं। अगर हमने एक एक मैसेज को क्लिक दिया, अब एक और मैसेज लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। अब इसके अंदर मैं एक मैसेज शो कराता हूँ, एडवांस प्रोग्रामिंग, एडवांस प्रोग्रामिंग। अब इसको मैं आउटपुट करता हूँ शो। अब देखें कि ये जो हमारा सी शार्प है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को लेके चलता है। तो पहले हमने हेलो लिखा तो हेलो प्रिंट हुआ था, उसके बाद मैंने एडवांस प्रोग्रामिंग लिखा तो उसके बाद एडवांस प्रोग्रामिंग ही शो हुआ। तो ये क्या करता है, हमारा स्टेप बाय स्टेप लेके चलता है। अगर मैं हेलो प्रिंट को नीचे लिखूंगा और इसके ऊपर, तो ये एडवांस प्रोग्रामिंग को पहले शो करेगा, हेलो प्रिंट हेलो को बाद में शो करेगा। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलता है सी शार्प, ये इसका एडवांटेज है। तो उसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ ये कंसोल डॉट राइट लाइन की आगे, अब क्या होगा कि देखिए मैं उसको रन करके समझाता हूँ आपको। ये रन किया, ये देखें ये हेलो प्रिंट करा दिया, इसने एडवांस प्रोग्रामिंग प्रिंट कर दी, लेकिन ये कंसोल डॉट राइट लाइन को इसको इसने प्रिंट नहीं किया है, क्योंकि हमारा कंसोल डॉट राइट रीड लाइन का जो हमने सिंटैक्स लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये स्क्रीन को होल्ड कर रहा है। अब ये देखें ये स्क्रीन को होल्ड कर रहा है, यहाँ पे
साइन साइन नज़र आ रहा है कि जब तक हम यहाँ इंटर नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। हम जैसे इंटर करेंगे ये आगे तो बढ़ेगा, और सिर्फ इसको एकदम लिख ये नज़र आएगा हमें कंसोल पे और एकदम मिट जाएगा, स्क्रीन ऑफ हो जाए, क्योंकि हमने कंसोल डॉट रीड लाइन लिखा जो स्क्रीन को होल्ड करता है। अब देखिएगा, देखें एकदम एडवांस प्रोग्राम नज़र आया लेकिन उसने स्क्रीन को होल्ड नहीं किया क्योंकि हमने कंसोल डॉट रीड लाइन लिखा। तो कंसोल डॉट रीड लाइन का मतलब ये होता है कि वो स्क्रीन को होल्ड करता है और हमारे इंटर का वेट करता है कि जैसे ही इंटर करे तो नेक्स्ट स्टेप पे जाए। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप वाले के बाद भी हमने कंसोल रीड लाइन लिखना लाजमी है ताकि हमारी स्क्रीन होल्ड हो, हमें आउटपुट सही शो हो। अब देखें जैसे इंटर करूँगा तब ये अगले स्टेप पे जाएगा। ये देखें अगले स्टेप पे गया तो कंसोल एडवांस प्रोग्राम में दोबारा रीड किया और उसको कंसोल रीड लाइन की वजह से वो हमारा वेट कर रहा है इंटर का। अब मैं जैसे इंटर करूँगा तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ये देखें हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। और एक और चीज़ सी शार्प में एक और एडवांटेज है, अगर सपोज हमने ये देखें इसको हम डिलीट कर देते हैं और सिर्फ ये लिखते हैं, अब इसको रन करते हैं। अब देखें सिर्फ एडवांस प्रोग्रामिंग लिखा है, उसको हमने रद्द किया वो मिट गया। सी में क्या होता था कि हम ऐसे लिखते थे, अगर हम इसको मिटा देते थे सिर्फ यही लिखते तो जो प्रीवियस वाला था हमारा वो भी शो होता और ये भी शो होता। तो हमें उसको उसके लिए स्क्रीन क्लियर यूज़ करना पड़ता था कि ताकि जो प्रीवियस वाला है वो साथ ही साथ मिटा जाए और जो हम अभी नया नया प्रोग्राम जो न्यू जो प्रोग्राम हमारा चल रहा हो सिर्फ वही शो हो। लेकिन सी शार्प में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए हमारे पहले से प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज में यूज़ की गई हैं। तो अब इसमें इसके लिए हमें स्क्रीन क्लियर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो खुद ब खुद आउटपुट हमारा उसको हमारा जो लाइब्रेरीज हैं वो प्रीवियस प्रोग्राम को रब कर देता है और जो 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 हम प्रोग्राम लिखा है उसी का सिर्फ आउटपुट शो करता है। ये है एडवांटेज सी शार्प का। आज हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम देखा कि लाइब्रेरीज के अंदर हमें यूजिंग सिस्टम के अंदर कंसोल जो है हमारा यूजिंग सिस्टम के को रेफरेंस करता है, उसका एक फंक्शनैलिटी है। तो जो हम अगर यूजिंग सिस्टम को मिटा देंगे तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, एरर शो करेगा। नेम स्पेस के बारे में पढ़ा कि हमारा एक मेन पार्ट है जिसके अंदर हम प्रोग्राम को होल्ड करते हैं और नेम स्पेस जितने ब्लू कलर के हैं ये सब एक पे डिपेंड फंक्शंस हैं। तो नेम स्पेस का एक नाम है जिसका हमने फर्स्ट प्रोग्राम नाम लिखा, तो उसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जो हम प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्राम को जहाँ सेफ होता है वो नेम स्पेस के अंदर सेफ होता है, और उसका एक नेम होता है जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है, और ये जो प्रोग्राम है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जाके सेव होता है। क्लासेस हैं, और उसके बाद हमने मेन पार्ट के बारे में पढ़ा है जो हमारे प्रीवियस वीडियो आप उसमें देखें, स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग इन सब का क्या काम है आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आने वाले ट्यूटोरियल में हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, मेथड और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह क्लास में मेथड बनाते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको कॉल करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए थैंक्स।